नमस्कार मित्रों, आज सुदामा चरित का अगला छंद। सुदामा जी कृष्ण से मिलकर वापस आ गए अपने गांव में। पूरा गांव ढूंढ डाला, अपना घर नहीं मिल रहा है। भगवान ने कुछ नहीं दिया और सब कुछ दे दिया, ये भगवान की विशेषता है। फैलाया जिसने आगे, तेरे आगे आके हाथ, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। सुदामा जी आए लौट कर, सारे गांव में ढूंढ आए, परेशान थे, कहाँ चला गया हमारा घर। यहां तक कहा, कैंधों परे हो कहूं मार्ग भूली कि फेर के मैं फिर द्वारिका आयो। मैं रास्ता भूल गया हूं या फिर मैं लौट कर द्वारिका चला आया हूं। भगवान ने इतना दे दिया कि जैसी द्वारिका पूरी थी वैसी ही सुदामा पूरी बन गई। बड़े परेशान, कहाँ गया हमारा गांव, कहाँ गया हमारा घर, अपने ही दरवाजे पर खड़े हैं, नहीं अपना घर देख पा रहे हैं। वहां एक आलीशान महल बना खड़ा हुआ है। सुदामा पुरी के गेट पर ही द्वारपाल खड़े हैं। देखें आप नरोत्तम दास जी की पंक्तियों को, कनक दंड कर में लिए, कनक दंड सोने का डंडा। प्रायः आज का जमाना नहीं था कि बंदूक दे दी जाए किसी को, पहरीदार को, प्रहरी को। उस समय डंडा लाठी पर्याप्त हुआ करते थे। कनक दंड कर में लिए, हाथों में सोने का डंडा लिए हुए। सोने का डंडा ही यह सिद्ध करता है कि जिसका द्वारपाल सोने का डंडा लिए हुए, घर में कितना धन होगा, कितनी संपदा होगी। जैसे आज घर के दरवाजे पर खड़ी हुई गाड़ी ये बता देती है इस व्यक्ति कितना धनवान है, हालांकि बता नहीं पाती है। भले ही बैंक से लोन लिया हो, मगर लोग दिखावा, आडंबर का जमाना है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। कनक दंड कर में लिए, अरे द्वारपाल हैं, द्वारपाल, गेटकीपर, प्रहरी दरवाजे पे खड़े हुए हैं। जब सबने देखा सुदामा भटक रहे हैं, सबने मिलकर के उनको पकड़ लिया। अरे सब जाए दिखायो सबन लय, सबने चार छह आठ वाले भी आओ ना, मैं हूं। जाए दिखायो सबन लय, सबने ले जाकर दिखा दिया। क्या बोले, या है महल तुम्हार, ये है आपका महल। अरे इतनी जब बात लोग कर रहे थे, ये आपका महल है सुदामा जी, ये आपका घर है। अंदर बैठी हुई सुदामा की पत्नी ने सुना, उन्हें बोला लगा आ गए, और भाग करके निकल करके आती हैं और उनका स्वागत करना चाहती हैं। लेकिन सुदामा चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम कौन हो। अरे सुदामा अपनी पत्नी को ही नहीं पहचान पाए। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। खाने पीने की कमी नहीं थी, सुख सुविधाओं से संचित थी, कोई कष्ट चिंता फिक्र नहीं थी, भगवान की अटूट कृपा थी। तो शरीर का रंग बदल गया, चेहरा चमकने लगा, लावण्यता आ गई। सुदामा ने कहा अरे आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं आपकी पत्नी हूं, क्यों हंसी कर रही हो। सुदामा कहते हैं टूटी सी मड़ैया मेरी परी हती याही ठोर। टूटी सी मड़ैया, ये तो सोने का महल खड़ा है, कंचन महल खड़ा हुआ है, टूटी सी मड़ैया, टूटी सी। साथियों ध्यान रखिएगा, भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तब अथाह कृपा करते हैं, लेकिन जब कष्ट देते हैं तो अथाह नहीं देते हैं। परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने भक्त की रक्षा भी करते हैं। पूर्ण रूपेण उन्हें अशक्त नहीं बनाते हैं, भले ही सशक्त न बनाए। आप कहें कैसे, आप ध्यान दीजिए, टूटी सी मड़ैया, मड़ैया तो थी मेरे पास। मड़ैया कहते हैं झोपड़ी को, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, टूटी सी थी, टूटी हुई नहीं थी। ध्यान रखिएगा, टूटी मड़ैया होती तो रात में भवड़ा के जानवर घुसाते, बरसता हुआ पानी ऊपर गिरता, सूर्य की किरणें आती, मगर टूटी भगवान ने उस दशा में पहुंचा दिया, दुर्दशा में पहुंचा दिया। लेकिन मड़ैया इस हालत की हो गई कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लगभग टूटने वाली है। ध्यान रखिएगा, यही स्थिति उनके कपड़ों के साथ थी। जब द्वारपाल ने भगवान कृष्ण से जाकर कहा था हे भगवान, कोई एक व्यक्ति आया है ना, और उसकी धोती कैसी है, धोती फटी सी लटी दुपटी। ध्यान दीजिएगा, वहां भी फटी सी, फटी नहीं थी, फटी के समान। यहां कहते हैं अरे टूटी सी मड़ैया, टूटी के समान, लगभग टूटने वाली थी, कब धक्का लग जाए, कब गिर जाए,
और ये मड़ैया टूट जाए, इसी स्थान पर मेरी टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती पड़ी थी। मड़ैया कोई बनवाता नहीं है, मड़ैया में कोई नींव नहीं खोदी जाती है, उसमें कोई आरसीसी के पिलर नहीं लगते हैं, चार बांस गाड़े मड़ैया बना दी, टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती। बोली यही ठौर, अरे अपनी पत्नी से कह रहे हैं, यही ठौर इसी स्थान पर मेरी टूटी सी एक मड़ैया थी, एक झोपड़ी थी। पत्नी को हल्का मुस्कुराहट आ रही होगी, कैसे क्या हो गया है, ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं। बोले टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती याही ठौर, और तामे परो दुख काटों, अरे मैंने उसमें लेटकर पढ़कर रहकर समय बिताया है, नाना प्रकार के दुखों को काटा है। तामे परो, तामे परो उसमें पढ़ करके, उसमें रह करके, उसमें समय बिता करके दुख काटों, मैंने वहाँ दुख काटे हैं अच्छी तरीके से, मुझे याद है। अरे कहाँ हेम धामरी, कहाँ हेम धामरी, हेम कहते हैं स्वर्ण को, स्वर्ण माने सोना, कहाँ ये सोने का धाम खड़ा हुआ है, सोने का महल खड़ा हुआ है। तामे परो, मैं तो उसमें पड़ा हुआ दुख काटा करता था, कहाँ गई वो झोपड़ी, कहाँ गई वो मड़ैया, यहाँ तो स्वर्ण भवन खड़ा हुआ है, स्वर्ण का महल खड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अवधि भाषा है, अगली पंक्ति में आ रहा हूँ, अवधि भाषा। साथियों ये जो शुरू की दो लाइनें थीं ये दोहा छंद है, कनक दंड कर्मे लिए 13-11 मात्राएं हैं, गिन लीजिएगा। दोहा छंद, पहली बात मैंने बता दिया दोहा छंद कहाँ है, इन दो लाइनों में, लेकिन ये जो 8 पंक्तियां हैं, 4 चरण हैं, ये कवित्त छंद है, सवैया नहीं है। और कवित्त भी एक वर्णिक छंद होता है, 31 और 32 अक्षरों का कवित्त छंद है। चलिए आइए आ जाते हैं अलंकारों में, आ जाते हैं टूटी सी, अरे उपमा अलंकार यहीं पर हो गया, टूटी सी मड़ैया। अब आगे देखें, कहते हैं और कहां हेम धाम री, अरी माँ, अरी बहन, अरी पत्नी, अरी कुछ भी री शब्द का प्रयोग किया, मैडम, देवी जी, आदरणीय, कहां हेम धाम री, कहां तो ये हेम का धाम है, स्वर्ण का। और यही नहीं, अगर तुम कह रही हो कि तुम मेरी पत्नी हो, अरे जेवर जराऊ तुम साजे सब अंग अंग, जेवर जराऊ, जराऊ जड़ाऊ, खड़ी बोली में आप जड़ाऊ लिखेंगे, जड़ाऊ कहते हैं जड़े हुए, जड़े हुए का मतलब होता है सोने का जेवर है, चांदी का जेवर है, उनमें तमाम नग जड़े हुए हैं, हीरा मोती पन्ना पुखराज नाना प्रकार के रत्न लगे हुए, रत्न जटित आभूषण है, जेवर जराऊ जड़ाऊ जड़े हुए जेवर, तुम साजे सब अंग अंग, तुमने अपने प्रत्येक अंग में नख सिख सौंदर्य है तुम्हारा, तुमने पूरा ऊपर से नीचे तक आद्योपांत अपने को सजा रखा है नाना प्रकार के आभूषणों से, अरे पैर में बिछिया है, पायलें हैं, कमर में करधनी है ना, गले में हार है, सीतारामी है, मंगलसूत्र है, जो कुछ भी हाथों में कड़े हैं सोनी के, सोने के जेवर जराऊ तुम साजे सब अंग अंग, नाक में कान में माथे पर जेवर जराऊ तुम साजे सब अंग अंग, अरे सखी सो हैं संग, इतना ही नहीं, सखी सो हैं संग, तुम्हारे साथ में तुम्हारी 10-12 सहेलियां चल रही हैं, ये विशेषता होती है, लोग उनके साथ इकट्ठा होते हैं जो धनवान होते हैं, गरीब का कौन साथ देता है, एक नेता के पीछे, एक मंत्री के पीछे, एक अधिकारी के पीछे, एक कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति होगा उसके 4-6 दाएं बाएं लगे होते हैं, तो कहते हैं जे सखी सो हैं संग, साथियों जेवर जराऊ सखी सो हैं संग, अनुप्रास भी मिल गया आपको, यहां पर अनुप्रास है, अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, माधुर्य गुण है, ध्यान रखिएगा, तुम सखी सो है संग, अरे वह छूछी होती छामरी, वो तो छूछी छाछी छामरी, दुबली पतली थी, इतनी स्वस्थ नहीं थी, तुम तो बिल्कुल मोटी सी हो गई हो, कहते हैं जेवर जराऊ तुम साजे संग अंग अंग, सारे अंगों अंगों में जेवर पहने हुए हो, सखी सो है तुम्हारे साथ में अनेक सखियां तुम्हारी जय जयकार करती हुई शोभायमान हो रही हैं, अरे वो तो छूछी होती अकेली थी, कौन पूछता था, लोग डरते होंगे गरीब आदमी को अपने साथ ले जाने में, कहीं कुछ मांग न दे, छूछी होती छामरी, इतना ही नहीं कहते हैं तुमने खाली जेवर ही नहीं पहने, अरे तुम तो पटंबर री ओढ़े हो किनारी दार, पटंबर
पटंबर से वादे पीताम्बर बन गया। जो ऊपर ओढ़ने वाली चद्दर शॉल इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी वो पटंबर होती थी। भारतीय नारी का एक लज्जा का आभूषण हुआ करता था, लज्जा ही उसका आभूषण था। नाना प्रकार के वस्त्र पहनती थी वो, केवल सलवार कुर्ता नहीं पहन ले, आज भी दुपट्टा है उसके रूप में। साड़ी केवल पहन करके घूमना उचित नहीं था हमारे यहाँ, साड़ी के ऊपर भी एक शॉल ओढ़ा करती थी महिलाएँ, चद्दर ओढ़ा करती थी अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार। तुम तो पटंबर ही ओढ़े हो किनारीदार, और एक विशेषता, पटंबर तो है ही, वस्त्र तो है ही, चद्दर जो तुमने ओढ़ रखी है, शॉल या दुशाला, अरे वो भी किनारीदार। साथियों सादिक कपड़े दो प्रकार के आया करते थे, कम दाम का है तो सादा प्लेन कपड़ा है, बस ले लिया चद्दर 2.5 मीटर महिलाएं ओढ़ लिया करती थी। थोड़ा धनवान जो लोग होते थे, पैसा अधिक देते थे, महंगा महंगा खरीदते थे, उनका किनारा बढ़िया कढ़ा हुआ होता था। तो उस जमाने की बात करते हैं, अरे तुम तो पटंबर री ओढ़े हो किनारीदार। भारतीय नारी का कितना सुंदर प्रतिबिंब दृश्य है। आज तो महिलाएँ शॉल और साड़ी चद्दर तो कोई ओढ़ता ही नहीं, साड़ी भी अपने सर पर नहीं रखना चाहती हैं। पहनने का कपड़े वस्त्रहीन होना आजकल तो लोगों ने फैशन बना लिया है। खैर तुम तो पटंबर ही ओढ़े हो किनारीदार, और यही नहीं, खाली पटंबर ही नहीं ओढ़े हो, मैंने ऊपर का हिस्सा नहीं देखा, जब तुम्हारे चरणों की तरफ जाता हूँ, अरे सारी जरतारी, तुम्हारी साड़ी है वो जरतारी जड़ी हुई है, तमाम प्रकार की कढ़ी हुई है, उसमें भी नाना प्रकार के नग आभूषण लगे हुए। पहले बनारसी साड़ियाँ आती है करती थी ना, कई जगह जरी का काम होता था, आज भी बरेली है, जयपुर है, बनारस है और कई प्रांतों में इस तरीके का काम होता है, सारी जरतारी जरी काम से सड़ी हुई साड़ी। और उसके पास क्या था, उसके माने हमारी पत्नी के पास, तुम अपने को पत्नी बता रही हो, अरे सारी जरतारी वह ओढ़े काली कामरी, वो तो काली कंबली ओढ़ लिया करती थी। काली कामरी के पीछे भी एक भाव है, हो सकता है नीचे का ब्लाउज या नीचे के कपड़े फटे हों तो अपने को छिपाने के लिए काला कपड़ा ओढ़ लो, ताकि हमारी इज्जत सम्मान ज्यों का त्यों बना रहे, हम बेपर्द न होने पाए, किसी अंग का प्रदर्शन न होने पाए। सारी जरतारी अरे वह ओढ़े काली कामरी, कहते मेरी वह पढ़ाइन, वो बोले अरे मैं ही हूँ आपकी पत्नी, बोले मेरी वह पढ़ाइन अरे तिहारी अनुहारी ही पे। हाँ एक बात तो है, मेरी वह पढ़ाइन तुम नहीं हो, पढ़ाइन कहा है साथियों, एक आपने प्रत्यय पढ़ा होगा, आइन प्रत्यय होता है ना, ठाकुर में लगा दो तो ठकुराइन बन जाता है, मास्टर में लगा दो मास्टराइन बन जाता है, डॉक्टर में लगा दो डॉक्टराइन बन जाता है, हो जाता है ना, मिश्रा में मिश्राइन, शुक्ला में शुक्लाइन, उसी प्रकार एक जाति होती है पांडे, पांडे खड़ी बोली में है पांडे जी कहा जाता है, आपने याद रखा होगा उस समय भी, बोले द्वार पालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छाणे राज काज ऐसे जी की गति जानने को, सुदामा पांडे हैं, पांडे आज की भाषा में खड़ी बोली में पांडे और अवधि में ब्रज भाषा में पांडे जी पांडे कहा जाता है। कहते जब मैं पांडे हूँ तो वो क्या हो गई, पढ़ाइन हो गई, मेरी वह पढ़ाइन अरे तिहारी अनुहारी ही पे, तिहारी माने तुम्हारी ही, अनुहारी माने सकल, बिल्कुल डबल रोल है एकता कपूर के फिल्मों का या तमाम सारी पिक्चरें जो बनी दो रूप में, बिल्कुल तिहारी अनुहारी ही पे, तुम्हारी सकल और उसकी सकल मिलती जुलती है, अंतर ये है वो निर्धन है थी और तुम धनवान हो, मेरी वह पढ़ाइन अरे तिहारी अनुहारी ही पे। बोले विपदा सताई, तमाम प्रकार की विपत्तियों से घिरी हुई थी और गरीब का कोई रक्षक नहीं होता, गरीब के रक्षक तीनों के रक्षक तो दीन बंध हुआ करते हैं, विपदा सताई वह नाना प्रकार कष्ट थे और उसकी रक्षा करने वाला मैं था, वो भी चला गया 6 महीने पहले, विपदा सताई वो पाई कहाँ पामरी, अरे कहाँ ढूंढने जाऊँ, किसी भूमाफिया ने, किसी जमीन हड़पने वाले ने, किसी धनवान ने, ऐसा लगता है उस झोपड़ी को यहाँ पर बुलडोजर चलवा दिया या झोपड़ी को गिरवा दिया और यहाँ पर बढ़िया सुंदर महल बना लिया है, मैं अपनी पत्नी को, अपनी धर्मपत्नी को, मैं अपनी भार्या को, पढ़ाइन को ढूंढता फिर रहा हूँ, कहाँ चली गई, हे भगवान क्या हो गया, मैं तुमसे मिलने गया था, जो भगवान के पास जाता है, ईश्वर के दर्शन करता है, उसके तो नाना प्रकार के दुखों का क्लेश निवारण हो जाता है, लेकिन मैं तो फंस गया, मैं तो लौट आया, पत्नी कहाँ है, नाना प्रकार के दुखों से घिरते हुए सुदामा जी ढूंढते फिर रहे हैं, बाद में पहचान होती है, दोनों मिलते हैं, ये है भगवान की अटूट कृपा। और आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।